हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक ट्राईपॉड जो आप लोग मार्केट से ख़रीदते हैं, वो भी 1500-1600 रुपए का। आज मैं बनाने जाऊँगा सिर्फ 50 रुपए में। वो आज मैं ट्राईपॉड बनाऊँगा, वो भी एक पीवीसी के पाइप से, बिल्कुल उसी की तरह वर्किंग करेगा जो आप नया मार्केट से ख़रीद के लाते हैं 1500-1600 रुपए में। तो चलिए हम लोग बनाते हैं वो ट्राईपॉड। चलिए लेट्स गो। पाइप लूंगा 1 इंची का जो बिजली लिफ्टिंग में यूज़ किया जाता है, तो इसके हम लोग 16 इंची के पाइप्स काटेंगे। चलिए हम लोग इसके 16 इंची के पाइप्स काट लेते हैं, फिर उसके बाद बना के आपको दिखाते हैं। तो चलिए रेडी हो। इंसान 40-40 सेंटीमीटर के हम लोग इसके लिए 3 पाइप चाहिए। चलिए हम लोग इसको काट लेते हैं। तो चलिए हम लोग काट लेते हैं। एक हो गया, ऐसे ही आप लोग काट सकते हैं, या तो आरी से आप लोग काटेंगे तो आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा, ये पाइप बहुत जल्दी कट जाते हैं। चलिए ऐसे ही आप लोग काटिएगा, और आपके पास आरी हो तो आरी ऐसे ही कट जाएगा। ये 3 पाइप हो गए हैं, 3 और लेने। एक ये देखिए, मैंने निशान लगा लिया था पहले ही, आपको दिखाया भी था। तो चलिए देखिए, मैंने 3 पाइप्स ले लिए 40-40 सेंटीमीटर्स के। अब ऐसे ही 3 पाइप्स और चाहिए। चलिए हम लोग इस पर मिड पे लाइनें खींचेंगे, क्योंकि वो जो आप नया ट्राइपॉड लेते हैं उस पर अंदर डंडे के अंदर डंडा घुस जाता है, तो वैसे हम लोग आज बनाने वाले हैं। अब मैं इसके बीच में मिड पे एक लाइन खींच लेता हूँ। चलिए हम लोग खींच लेते हैं मिड पे लाइन एकदम। देखिए मैंने एक मिड पे लाइन खींच ली है, तो भी टेढ़ी मेढ़ी मैं एकदम अच्छे से खींच के इस पर एकदम ऐसे ही लाइन खींच के एकदम बीच पे कट लगाना है, ऐसे ही तीनों पाइप में करना है। तो चलिए हम लोग कट लगा लेते हैं। पे कट लगा लिया बीच पे, हर एक पे, सब पे, ये देखिए। तो ऐसे ही तीनों पाइप लगाना है, और ये पाइप 40-40 सेंटीमीटर्स के हैं, ये तीनों पाइप 40-40 सेंटीमीटर्स के हैं। अब इस पर मैंने कट लगा लिया, और अब इस पर मैंने 6 मिलीमीटर का इस पर बीच पे कट लगाऊंगा ऐसे, और ये फिर तीनों पाइप में, और ये फिर ये ऐसे ही 3 पाइप और चाहिए। उसके अंदर ये ऐसे जाने लगेंगे जैसे इस पर जा रहे हैं। देखिए ये मैंने इसको ऐसे किया, और ये देखिए इसके अंदर जाने लगे, क्योंकि अभी जाने नहीं, क्योंकि मैंने अभी इतना कट नहीं लगाया 6 mm का। 6 mm का कट लगाने के बाद ये अंदर जाने लगे। तो चलिए हम लोग इस पर 6 mm का कट लगा लेते हैं। हेलो गाइस, देखिए मैंने कहा था कट लगाने के बाद 6 mm काट लेना, तो मैंने 6 mm हर एक पाइप पर काट लिया है। ये देख सकते हैं, मैंने 6 mm हर एक पाइप पे काट लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब इन पाइप्स को करना है, थोड़ा सा इनको दबा लेना है ऐसे ऐसे अंदर करके, पूरा पूरा दबा लेना है। दबा लिया, इन 3 पाइप दब चुके। और मैंने कहा था 3 पाइप्स बिना कट के लेने, जिसपे कट नहीं होने चाहिए, तो मैंने 3 पाइप बिना कट के ले लिए। जो कट का है उनको मैंने दबा लिया था, बस और थोड़ा ऐसे एक पाइप बिना कट के लेना और एक कट का लेना है, और उसको ऐसे पकड़ कर इसके अंदर ऐसे डाल देना है जो कट वाला है। बहुत अच्छे से सब चले जाएंगे। ऐसे एक दूसरा लेना है, ऐसे ही सब में अंदर कर कर सब आपको डाल देना है। एक ये लिया, सब चले गए तीनों के अंदर। तो चलिए अब हम लोग इसका रखने वाला बना लेते हैं, जिसपे रखे जाएंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं रखने वाला। के ले रहा हूँ उस पर 4.5 सेंटीमीटर का मैं एक रेडियस ले रहा हूँ सर्किल काटने के लिए। ये देखिए, ये देखिए मैंने 4.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लिया, और इसे मैं MDF बोर्ड पर ड्रॉ कर लेता हूँ। MDF बोर्ड सॉरी मेरे पास नहीं है, तो मैं कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर रहा हूँ। और MDF बोर्ड आपके पास हो तो आप MDF बोर्ड पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और क्योंकि MDF बोर्ड ना हो तो कार्डबोर्ड पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कार्डबोर्ड भी अच्छा है, मजबूत रहता है कार्डबोर्ड भी। क्योंकि मेरे पास MDF बोर्ड नहीं था, तो इसलिए मैं उस पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। चलिए हम इन दोनों को मैं काट लेता हूँ। काटने में दिक्कतें हो रही थी अगल बगल वाली, ऐसे काटिए तो आप लोगों का बहुत जल्दी सर्कल कट जाएगा।
और आप लोगों को ऐसे दो सर्किल चाहिए 4.5 सेंटीमीटर रेडियस के। देखिए मैंने एक ये काट लिया, एक और ऐसा काट के आपको दिखाता हूँ। चलिए गो, मैंने इस पर ये देखिए मैंने इस पर सब लगा लिया है, क्योंकि इस पर एक 20 पाइप जाएगा और मेरे जो 3 पाइप थे इस पर लगेंगे। चलिए हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करके आप लोगों को हम दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। डायग्राम वैसे ही मैंने उसको काट लिया है दोनों को, अब मैं इस पर ऐसे पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट करने के लिए एक मैं बताया था कि एकदम आपको जैसे मार्केट मिलता है वैसे ही एकदम मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, तो एकदम वैसे ही मैं आपको बना रहा हूँ। जो यहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ ये देखिए आप, इस पर आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर छेद करके एक रॉड रखूँगा। हेलो गाइस, देखिए मैंने इस पर छेद कर लिया, आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने सब पे कर लिया है। तो अब इस पर जो मैंने बताया था, कोई भी आप कॉपर या किसी भी लोहे की एक इतनी बड़ी वो ले सकते हैं डंडी। तो हम लोग डंडी मैंने ले लिया, अब रुको मैं आपको दिखाता हूँ इस पर लगा कर। ठीक है, मैं इस पर लगा कर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ। देखिए मैंने कहा था ये मैंने अल्मोनियम की ले ली है, नेल्स मैंने काट लिए हैं देख सकते हैं आप। तो चलिए मैं इस पर लगा लेता हूँ, बस कुछ नहीं करना आपको, ऐसे करके जो इस पर होल्स किए थे मैंने बस उस पर ऐसे फिट कर देना है, इसको ऐसे इसको ऐसे। इस पर नहीं आ रही तो इस पर आएगी किसी न किसी को। ओ नो, ये तो गिर गई। कहाँ गई, ये तो गिर गई। चलिए मैं आपको देख लीजिए मैंने कैसे लगाई, अभी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, ये देख सकते हैं ऐसे उस ऊपर भी लगा लेते हैं और पाइप पे कर लेना। चलिए हम लोग पाइप में भी करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप मैंने इस पर छेद कर लिया है पाइप पर, ये देखिए इस पर नीडल, ये मैंने एक नीडल ली ये देख सकते हैं आप, और बस कुछ नहीं करना आपको, ऐसे पकड़ना है और ऐसे इस पर डाल देना है, और जिस पे मैंने कट लगाया था बस उस पे ऐसे रख कर ऐसे आपको रख लेना है। तो ऐसे हर एक पाइप कर लेना, उसके बाद जो मैंने कहा था दो दूसरे ने, फिर उसके ऊपर से ग्लू स्टिक से या कोई भी करके ऐसे पेस्ट कर लें। तो ये मैंने कहा था फोल्डेबल बन जाएगा, फिर उसके ऊपर का फिर मैं बना के आपको दिखाऊँ। चलिए हम लोग रख लेते हैं सब और पेस्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि मैं उस पर जोड़ के आपको दिखाऊंगा, तो मैंने वो बना लिया है। देखिए मैंने इस पर ज्वाइंट कर लिया है, ये देखिए ये मेरा पूरा ट्राइपॉड तैयार है, देखिए सकते हैं आप। मैंने हर एक पे मैंने सब पे ये ज्वाइंट कर लिया है और कुछ नहीं करना है। और मैंने कहा था नीचे एक नट लगा लेना छेद करके, क्योंकि जब इसको हम लोग निकालेंगे तो थोड़ा टाइट हो जाए, फ़ोन गिरे ना। तो ठीक है मैंने सब बना लिया, और मैंने कहा था कि एक इस पे बीच पे जो पाइप लगा है लगा लेना, और उसके बाद एक बीच पे मिड ऑफ पे लाइन खींचना एक पाइप पे, इतना बड़ा पाइप लगा उतना बड़ा एक और लेना है, और बीच में मिर्च खींच के इस पे ऐसे दबा कर उसको इस पे फिट कर देना है। ये देख सकते हैं आप लोग ये फिट हो गया, तो ये मोबाइल के लिए होगा, ऊपर मोबाइल के लिए हम लोग भी छेद कर देंगे। तो हम लोग जब मोबाइल पे छेद कर देंगे ऐसे रख के, ये देख सकते हैं ये पूरा हो गया, और ये देख सकते हैं हर एक वो ऑन ऑफ हो रहा है, ये देखिए ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है सब ऑन। लोग ऐसे देख सकते हैं अभी ये छोटा है, अभी मैं उसको यहाँ पे जो नट बोल्ट देख सकते हैं इनको ओपन करके जो इसके अंदर पाइप है उसको भी निकाल दूंगा, तो ये बड़े हो जाएंगे। और जो ये है इसको आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं ऐसे दबाकर, ये अंदर भी चला जाएगा और वो बाहर भी आ जाएगा। जैसे आपको छोटी वीडियो बनानी है, कहीं नीचे का शूट करना है या तो कहीं ऊपर का, तो इसको नीचे करके आप फ़ोन इसके नीचे भी रख सकते हैं, और कहीं बड़ी बनानी है मतलब इतने में बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसको पूरा एकदम ऑन कर लेते हैं हर एक जगह से कितना बड़ा ये है। तो चलिए हम लोग ऑन करके दिखाओ गाइस, आप लोग देख सकते हैं अब ये पूरा एकदम न्यू ट्राइपॉड की तरह लग रहा है, जो आप लोग मार्केट से खरीदते हैं, लग रहा है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देख सकते हैं पूरा फुल खुल चुका है, ये पूरा मतलब आप लोग की वीडियो बनाने के लिए हो गया है। ये इसकी हाइट है 6.5 फीट, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा ओपन हो चुका है। बस इस पर जो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, बस यहाँ पर मिड ऑफ के पर यहाँ पर थोड़ा सा छेद करके, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग इसे बस छेद करके इस पर एक फ़ोन रख देंगे। जब फ़ोन लग जाएगा बस ये आपके रेडी हो गया बिल्कुल आपके यूज़ करने के लिए, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को मेरी वीडियो बढ़िया लगी तो गाइस देखिए मैंने आपको ट्राइपॉड बनाकर दिखा दिया, आप लोगों को ये ट्राइपॉड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मेरी दूसरी आने वाली वीडियो भी आप लोगों के पास आ चुके हैं। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं अब अगली वीडियो की ओर। अब मेरी अगली वीडियो आएगी तो आप लोग जरूर बेल आइकन पर प्रेस कर देना, बिल्कुल आपको वीडियो मिलेगी। चलिए लेट्स गो।